एपिसोड की शुरुआत में हम फ्लैशबैक की सीन देखते हैं जहाँ पे हमें पावर को दिखाया जाता है। पहले वो कैसी थी, कैसे रहती थी, जो भी जानवर उसके सामने आता था उसका वो शिकार करती थी। कोई भी जानवर, किसी का भी जान उसके लिए मायना नहीं रखता था। फिर एक कैट से उसकी मुलाकात होती है जो कि उसका बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है, इतना कि वो हमेशा साथ में रहते थे। फिर एक दिन वो लोग जब आराम से सोए हुए थे तब एक बैड डेविल आता है, उसकी म्याऊ को किडनैप कर लेता है और कहता है मुझे ह्यूमन ब्लड चाहिए, नहीं तो तुम इस कैट को नहीं बचा पाओगी। पावर बिना सोचे भागने लगती है, भागते भागते सोचती है मैं ये क्या कर रही हूँ, ह्यूमन को लाने जा रही हूँ, वो भी सिर्फ एक कैट के लिए, क्या स्टूपिड रीजन है। फिर प्रेजेंट की सीन दिखाया जाता है। पावर अपना आँख खोलते ही सामने डेंजी को देख के पूछती है तुमने मुझे क्यों बचाया जबकि मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की। डेंजी उसकी बूब्स की तरफ इशारा करता है। ये देख के पावर फिर से कहता है क्या स्टूपिड रीजन है, वैसे सॉरी मैंने तुमसे झूठ कहा था, पर अब जबकि तुमने मियाओ को बचाया है मैं तुम्हें ये टच करने दूंगी। ये सुनकर डेंजी जैसे खुशी से पागल ही होने वाला होता है। वो खुशी से अपना हाथ ऊंचा करता है और तभी उसका हाथ दो टुकड़ों में कट जाता है जो कि एक लीच डेविल ने किया होता है। उसे देखते ही डेंजी पावर से कहता है क्या तुम यहाँ से भाग पाओगी, पर पावर के पास वहाँ से हिलने तक का भी ताकत नहीं होता है, इसीलिए डेंजी वहाँ पे रह के इस डेविल से लड़ना ही ठीक समझता है। दूसरी तरफ वो डेविल डेंजी को देखते ही पूछता है क्या तुमने ही बैड डेविल को मारा है, वो सिर्फ मेरा था, पर छोड़ो अब वैसे तुम क्यूट हो मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। ये सुनते ही डेंजी पूछता है पीछे वाले का क्या। ये देखते ही वो डेविल कहता है उनका क्या, मार दूंगी। ये सुनते ही डेंजी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। डेंजी उस पर हमला शुरू करता है, वो अपना चेन खींचता है पर बॉडी में ज़्यादा खून ना होने के कारण वो पूरी तरह से चेनसॉ मैन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता। फिर भी वो उसे अच्छी तरह से टक्कर दे रहा होता है। ये देख के पावर सोचती है भला एक मामूली बूब्स को टच करने के लिए कोई इतना रिस्क कैसे ले सकता है। दूसरी तरफ डेंजी उस डेविल को एक जोर से पांच मारता है, वो डेविल भी उसकी हालत खराब कर देता है और कहती है तुमने मेरे बैड डेविल को मारा, हम दोनों ने कितने सारे सपने संजोए थे, हमने सोचा था कि इस दुनिया के सारे इंसानों को खाएंगे और इस दुनिया पर हम राज करेंगे, पर तुमने वो सब सपना तोड़ दिया। और ये कहते कहते वो उस पर बहुत जोर से अटक करता है। डेंजी भी इसका अच्छी तरह से टक्कर देता है और फिर हायाकाबा और बाकी सबको याद करता है और कहता है यहाँ पे सबके सपने बड़े हैं, कोई अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता है, तो कोई रिवेंज लेना चाहता है, तो कोई अपने कैट को बचाना चाहते हैं, सबके सपने इतने बड़े हैं, सब बहुत ज़्यादा सीरियस है, पर इससे ज़्यादा किसी के पास कुछ नहीं है, मेरे सपने अगर छोटे हैं तो छोटे ही सही, पर अगर आज इस लड़ाई में मैं तुम्हें मार दूँ मेरे सपने पूरे हो जाएंगे, यही मेरे लिए अब सब कुछ है। फिर डेंजी बैड डेविल के बॉडी पार्ट से उसके पैरों को बांध देता है और उसे बुरी तरह मारने लगता है। वो डेविल भी उसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी कर देती है और इधर अपने फुल फॉर्म में ना होने के बाद भी डेंजी पागल की तरह उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो डेविल अपने जीप से उसकी हालत एकदम ख़राब कर देती है और डेंजी को बहुत ज़्यादा घायल कर देती है। फिर वहाँ पे हायाकाबा अपने टीम के साथ आ जाता है और हायाकाबा अपने एक स्पेशल हैंड साइन से एक फॉक्स डेविल को बुलाता है जो कि आते ही वहाँ पे उस लीज डेविल को ख़त्म कर देता है। फिर वो पावर और डेंजी को हॉस्पिटलाइज करने के लिए जाता है और पावर के पूछने पर वो म्याओ को भी अलाउ करता है। फिर हमें हॉस्पिटल की सीन दिखाया जाता है। आँख खुलते ही डेंजी अपने सामने हायाकाबा को देखता है। हायाकाबा उसे देख के कहता है मुझे तुम्हारा हाथ मिला, उसे तुम्हारे पास लाते ही ब्लड की मदद से वो जुड़ गया, तुम सच में एक डेविल हो। ये सब इग्नोर करते हुए डेंजी कहता है वैसे तुमने कहा था डेविल को दोस्त मत बनाना, पर तुम्हारी भी तो एक फॉक्स डेविल दोस्त है। ये सुनते ही हायाकाबा कहता है क्या तुम सच में कुछ नहीं जानते, हम डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो हमारी लड़ाई में मदद करे और इसके बदले उन्हें हमारी बॉडी का कुछ हिस्सा देना पड़ता है, इस बार मेरा हाथ का छोटा सा स्किन था। यह सुनते हुए डेंजी एप्पल खाने जाता है पर हायाकाबा उसे सरका के डेंजी से पूछता है हमने तुम दोनों को CCTV में देखा, तुम दोनों अपने पेट्रोलिंग एरिया से बाहर गए और देखा कि एक घर के सामने तुम्हारा खून पड़ा हुआ है, क्या पावर ने तुम्हें मारने की कोशिश किया था। डेंजी पावर को एकदम निर्दोष कहता है, वो कहता है पावर बहुत ज़्यादा कूल है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती, पर हायाकाबा को सब कुछ पता होता है इसलिए वो डेंजी से कहता है देखो मुझसे कुछ छुपाओ मत, मैं ये रिपोर्ट नहीं करूँगा, पर अगर तुम मेरी हर बात मानोगे इसके बाद से कुछ भी मेरे अलावा मुझसे पूछे बिना तुम नहीं करोगे। ये सुन के डेंजी कहता है हाँ ओके मैं याद रखूँगा। ये कहते ही हायाकाबा बाहर निकल जाता है और बाहर हम देखते हैं पावर खड़ी हुई है और उसके हाथ में हथकड़ी है। उसे देखते ही पावर कहती है देखा मैंने कहा था ना मैं निर्दोष हूँ। डेंजी की बात सुन के हायाकाबा उसे छोड़ देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं हायाकाबा ऑफिस में आके माकिमा को सब कुछ रिपोर्ट करता है और माकिमा उससे पूछती है वो दोनों
आखिर पेट्रोलिंग एरिया से बाहर कैसे गए? तुम जानते हो कि ये रूल के अगेंस्ट है। ये सुन के हायकबा कहता है, हाँ पर उन दोनों के पास इतना दिमाग कहा कि वो दोनों ये समझेंगे। पर हमें ये नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि उन दोनों की वजह से ही हमने दो खतरनाक डेविल को मारा और कोई मारा भी नहीं गया और बाकी सब भी डेंजी की तारीफ ही कर रहे होते हैं। ये कह के वो परमिशन लेके वहाँ से जाने लगता है, पर माकिमा उसे रोक के पूछता है, हायकबा तुम बदल गए हो, क्या ये डेंजी की वजह से है? क्या डेंजी का असर तुम पे पड़ रहा है? ये सुन के हायकबा थोड़ा सा रुक कर कहता है, नहीं मैं बिल्कुल नहीं बदला, और वहाँ से निकल जाता है। फिर हम अगले दिन सुबह देखते हैं, हायकबा उठ के अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट कर रहा होता है। वो पेपर पढ़ता है, चाय पी रहा होता है, साथ में सुट्टा भी पी रहा होता है। दूसरी तरफ हम डेंजी को भी देखते हैं, डेंजी भी अब उसके साथ अच्छे से वहाँ पे उसके घर में रह रहा होता है। पर तभी दरवाजे में बहुत जोर से नॉक होने लगता है। कुछ देर बाद दरवाज़ा तोड़ के बाहर से पावर आता है। उसे देखते ही हायकबा माकिमा को कॉल करता है। माकिमा उसे कहती है, उन दोनों को सिर्फ तुम ही संभाल सकते हो, और वैसे भी पावर ने कहा है कि वो अच्छे से बिहेव करेगी, और मुझे इस बारे में सिर्फ तुम पे ट्रस्ट है कि ये सब तुम ही संभाल सकते हो। ये सुन के हायकबा थोड़ा सा नरम होता है और मान जाता है उन दोनों को रखने के लिए। फिर देखते हैं पावर आते ही पूरे घर को सर में उठा के रखा है, एकदम दोनों मिलके उधम मचा के रखे हैं। एक बार तो वो टॉयलेट जाती है पर फ्लश नहीं करती, उसकी टॉयलेट बहुत ज़्यादा स्टिंक कर रही होती है। इस वजह से हायकबा और डेंजी दोनों बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। अगले सीन में हम डेंजी को गुस्से में टॉयलेट साफ करते हुए देखते हैं। फिर वहाँ पे जब पावर आती है, पावर को देखते ही डेंजी उसे शीट डेविल कहता है, पर पावर उसे उन दोनों के बीच हुआ डील के बारे में बताती है और कहती है अब सही समय है डील को पूरा करने का, और यह कहते ही वो टॉयलेट का दरवाज़ा बंद करके अंदर आ जाती है। यह सुन के तो डेंजी का मुंह खुला का खुला रह जाता है, और फिर पावर कहती है, मैं तुम्हें 3 बार मेरे बूब्स स्क्वीज करने दूंगी, क्योंकि तुमने एक मियाओ को बचाया, बैड डेविल को मारा, और हायकबा और उन सब से मुझे बचाया। ये सुन के डेंजी का खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता। वो जैसे खुशी से पागल हो रहा होता है, क्योंकि उसके इतने दिनों की अरमान पूरे जो होने वाले हैं। फिर वो सोचता है, ये तो एक एंजल है।